गुड इवनिंग एवरीवन। यस, इंतजार कर रहे थे, वेरी एक्साइटेड। यस, होना भी चाहिए, है ना? जिसको अपनी लेक्चर्स के लिए, स्टडी के लिए एक्साइटेड होना शुरू कर दोगे ना, जिस दिन, मतलब ग्रोथ की निशानी है, आप लोग ग्रो कर रहे हो। यस, सो ए वेरी नाइस प्रेजेंटेशन टूडे। सो ओवर द टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो हम जानते हैं। आज स्टार्ट करते हैं फिर। टाइप्स ऑफ फिंगर योर मोबाइल फोन हैज। अब मोबाइल, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं। एक जैसे अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सपने होंगे, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे टीचिंग में जाना है, टीचर बनना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, मुझे कंप्यूटर्स में अच्छा लगता है, मुझे मोबाइल्स का कुछ सॉफ्टवेयर बनाना अच्छा लगता है। आप कुछ भी करो, आप सुनना, बड़ी प्यारी बात है। आप जहां भी जाओगे आपको एक इकट्ठे एक ऐसे एनवायरमेंट में रहना पड़ेगा जहां एक टीम होगी आपके साथ, हमेशा एक टीम खड़ी होगी। आप किसी भी ऑफिस में काम करो, कहीं स्कूल में जॉब करो, कहीं कॉलेज में जॉब करो, वट एवर वेयर एवर यू गो, आपको हमेशा एक टीम के अंदर काम करना पड़ेगा। एग्री? यस। जब आप एक ग्रुप के साथ काम करते हो तब आपको क्या क्या चाहिए? तब आपको उसको लीड करना पड़ेगा। जो आपके जूनियर्स होंगे, जो नए उस कंपनी में लोग आएंगे, उन पड़ेगा टीच करना पड़ेगा। यस, एग्री। जब हमें और लोगों को टीच करना है या उनको गाइड करना है, टीच का मतलब सिर्फ टीचिंग वो नहीं होती जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। टीचिंग मतलब जब हम किसी कंपनी में सीनियर है तो जूनियर्स का मीटिंग लेना पड़ेगा। यस, अब मैं आज आपको सिखा रहा हूं हम पढ़ाई क्यों करते हैं। कहते हैं ना एजुकेशन बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है यार एजुकेशन? एजुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि मेरी सोच अच्छी बने, ताकि मेरे में इतना बल आए मैं और लोगों की मदद कर पाऊं, और लोगों की केयर कर पाऊं। हमारा आज का लेक्चर बिल्कुल उसके बेस पे है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट्स तो करवाऊंगा ही, टाइप्स ऑफ सेट्स कराने के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक अच्छी टीचिंग कैसे कर सकते हो, आप अपने में अच्छे गुण कैसे लेके आ सकते हो। वही हमें टाइप्स ऑफ सेट्स के साथ हम सीखेंगे। कैसे पता चलता है कोई इंसान हमें पढ़ा रहा है वो सबसे बढ़िया पढ़ा रहा है? जब वो बीएड, अगर आपके घर पे किसी ने बीएड की हो या आपके परिवार में कोई ऐसा हो जिसने बीएड की हो, बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, अगर किसी ने किया है तो उनको पता है। आज तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, सबसे पहले होती है पीके टेस्ट नॉलेज। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं जिससे आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक हो, और वहीं से वो नॉलेज से पूछते 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 वो पूरे का पूरा टॉपिक आप खुद से क्लियर कर पाओ। यस, और फिर होता है पोस्ट नॉलेज टेस्ट। बताओ भी अब आपने क्या क्या सीखा। आर यू गेटिंग दीज थ्री थिंग्स? फर्स्ट इज प्री नॉलेज। आपको प्री नॉलेज क्या है, वो नॉलेज टेस्ट करते करते आप टॉपिक के बारे में खुद ही बात करनी शुरू कर दो, ओके 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 इज देयर, और उसके बाद आपका पोस्ट नॉलेज टेस्ट हो। यस, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं पीके टेस्टिंग। ये आपको चीजें इसलिए जाननी जरूरी है, आप कभी भी किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, घर पे मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होगा, ये टेस्टिंग के साथ होता है। मैंने आपसे पूछा टाइप्स ऑफ फिंगर्स योर मोबाइल फोन हैज। अरे यार, मोबाइल फोन की कोई फिंगर्स होती हैं? फिंगर्स हो, हम ह्यूमन बींग्स की हैं, एनिमल्स की हैं, नहीं होती हैं। फिर मैंने पूछा अगला क्वेश्चन, सेंसरी ऑर्गन ऑफ योर बुक। बुक के क्या कोई सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? यस, क्या बुक के कोई सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? यस, आपका आंसर क्या आएगा? नो, ना तो फोन की फिंगर्स होती हैं। अब इसको सेट में लिखो, कैसे लिखोगे? यस,
आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, इसको सेट में लिखो, कैसे लिखोगे? सोचो सोचो, सेट में लिखो तो सेट को कैसे लिखोगे? यस माय डियर्स, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, ये जो सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट, यस, मंथ हैविंग ग्रेटर देन 35 डेज, मंथ हैविंग डेज ग्रेटर देन 35, ऐसे मंथ्स बताओ जिनके डेज 35 से ज्यादा है। यस कवेरी माय डियर्स, यस यशिका, अंकुश, करणवीर, गुड। सो मंथ हैविंग ग्रेटर देन 35 डेज, आंसर क्या आएगा? खाली सेट। सेट्स को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कुछ भी नहीं आया। यस, तो आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? फर्स्ट एम्प्टी सेट। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, इसे नल सेट भी कहा जाता है, इसे एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, इसे वॉइड सेट भी कहा जाता है। आप नोट साथ साथ बना सकते हैं, तीन नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। यस, इसे कैसे कैसे लिखा जाता है? एक तो ये लिखने का तरीका कर्ली ब्रेसिस के अंदर, एक और तरीका हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसे बोलते हैं फाई सेट। ये सिंबल होता है फाई का, इसलिए इसे बोला जाता है फाई, PHI, फाई सेट। यस, सो चार चीजें बताई, नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट और खाली फाई सेट, दो तरीके हैं इसको लिखने के। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ध्यान से समझना। सपोज करो मैंने लिख दिया, क्या आप इसे एम्प्टी सेट बोलोगे? इज दिस एम्प्टी सेट? गिव मी आंसर्स एवरीवन, क्या ये एम्प्टी सेट है? इज दिस ए एम्प्टी सेट? यस यस यस, इज दिस एन एम्प्टी सेट? परफेक्ट, द आंसर इज नो, बिकॉज इसमें तो जीरो है। यस, सो इट इज नॉट एम्प्टी। यस, सो जो एम्प्टी नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? नॉन एम्प्टी। आर यू गेटिंग? सो दैट इज अवर नेक्स्ट, एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट है। नोट्स बना लो, ए सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट, नॉन वॉइड सेट। मतलब खाली, जिसको लिखने के तरीके हैं दो, एक और दो, नॉन एम्प्टी जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे। यस, एग्जाम्पल्स करें इसकी। ओके, आपको बताना है ये जो सेट दिया हुआ है ये एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है। इट इज अ एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट? यस, टेल मी माय डियर्स। इस सेट को सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आएगा। आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, आप लोग सब कर सकते हो। यस यस यस, इवन प्राइम नंबर, परफेक्ट करणवीर, वेरी गुड। यस, सो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। उनमें से इवन कौन है? 2, बाकी सारे क्या? ऑड। yes, क्योंकि बाकी सारे इवन नंबर तो 2 के टेबल में ही आएंगे। सो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन एम्प्टी। वेरी गुड, फर्स्ट क्वेश्चन सबका ठीक है, वेरी गुड। यस, सो आज हमने क्या स्टार्ट किया टॉपिक, अगर कोई लेट आया तो टाइम पे आया करो। आज का टॉपिक था एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चला लूडो वाला, जिसके ऊपर 6 से ज्यादा नंबर, एक ऐसा डाई जिसके ऊपर 6 से ज्यादा नंबर हो, अब ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। फॉलोइंग हैज एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 6, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6, कर दो सॉल्व जल्दी से। मैंने सबसे पहले 6 के डिविजिबल नंबर देख लो, 6 के जो डिविजिबल नंबर है वो कौन से हैं? 1, 2, ओके, डिविजिबल बाय 6, इसमें से ओड बताना है, ओड, ओड नंबर।
6, these are the factors of 6. These are factors of 6. 1, 2, 3, 6. Yes. These are the factors of 6. अगर तो फैक्टर पूछे जाते हैं, यहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर तो फैक्टर पूछे जाते हैं फिर तो आंसर क्या आ जाता, 1 और 3, दो ओड नंबर है। ओके, यहां ना बहुत से बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सोचो। अगर मैं आपसे पूछूं विच आर, मैं आंसर आपके अंदर से निकलवाऊंगा सारा, विच आर डिविजिबल बाय 4, कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल ठीक, मैंने इसीलिए बताया 2, 1 और 3 ओड है, ओड नंबर है 1 और 3, दीज आर द फैक्टर्स, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। Yes, divisible by 7. करणवीर आप परफेक्ट जा रहे हो, yes, बहुत मजा आएगा, इतना सीखने को मिलेगा ना। आप देखो, मैं आपकी चैट के साथ साथ अपना लेक्चर, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, उसका आंसर देते देते आपको काफी सारी चीजें निकलेंगी। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9, एक और दूंगा इसके बाद, शिवांशु मैंने समझाया नहीं है, मैं आपके अंदर से निकालूंगा। नंबर्स, यस माय डियर्स, आज मैंने आते ही आपको प्रॉमिस किया था, आज मैं ठीक है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6, 4, 7, 9, 11। यस, बहुत सारे बच्चे अब सही लिखना शुरू कर गए हैं। यस मिंकू जी, अस्तिक अग्रवाल, वेरी गुड, रोहानी करीर, यस यस यस। अब बहुत सारे लोगों को उनका कंसेप्ट समझ आ रहा होगा था 6 से डिविजिबल। अब सुनना ध्यान से, अब मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर रहा हूं। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6 बोला था, ऑलमोस्ट बच्चे ने एक या दो को छोड़ के बाकी सब ने आंसर दिया था फैक्टर में से। भाई फैक्टर और डिविजिबल्स में फर्क है। नंबर डिविजिबल बाय 4 का क्या मीनिंग है, 4, 8, 12 एंड सो ऑन, 7, 14, 21 एंड सो ऑन, 9, 18, 27 एंड सो ऑन, यस 11, 22, 33 एंड सो। यस, अब आपको समझ आ गया ना। सो 6 से डिविजिबल नंबर कौन से हैं, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। यस, दीज आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। अब इसमें से कोई भी ऑड नंबर नहीं है, सो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। यस, मैंने आपको कहा था ना आपका मैथ्स 10 तक कैसे है, मैं इतने प्यार से थोड़े दिन में आपका बेस बना दूंगा, आपको एक एक टॉपिक, एक एक मीनिंग ऐसे क्लियर हो जाएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। देखो मैंने देखा आपसे चैट करते हुए, हम लाइव पढ़ रहे हैं, मैंने लाइव में देखा ब कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, मैंने लिखा था डिविजिबल, वो लिख रहे थे फैक्टर्स। उस कंसेप्ट को मैंने ठीक करने के लिए आई गेव 4 एग्जाम्पल्स, ताकि आपका कंसेप्ट बड़ा स्ट्रांग हो जाए। ये है एग्जैक्ट टीचिंग, कैसे आप करके जा सकते हैं। यस यस हरनीत, वेरी गुड, थैंक यू हर्ष, यस हेमंत, है ना, आप लोगों के प्यार से अच्छा पढ़ा पाता हूँ, इतने सालों से आपके बड़े बहन भाई समझो, या जो भी इतने साल से जितने बच्चों को पढ़ाया वहीं से अनुभव मिला, कहाँ पे बच्ची गलती कर सकता है। और अभी तो आप ऐसे लाइव पढ़ रहे हैं जहाँ मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ, मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर रेडी करवाया
और उसके अंदर मैं दो सॉफ्टवेयर मिक्स करके ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, मेरे को आपकी फोटो भी दिखेगी। इमेजिंग ना, आप लोगों के साथ आप मेरे से बात भी कर पाओगे वीडियो, जैसे क्लास में नहीं बैठे होते, वहां पे हाथ खड़ा करने की ऑप्शन होगी, जो हाथ खड़ा करेगा मैं उसको ऑप्शन दूंगा, वो मेरे से बात करेगा, एक एक बच्चे से हमारी लाइव चैट होगी। हम जो ऑनलाइन मेरी क्लासेस और होमवर्क, मतलब आपका मैथ सुपर एक्सीलेंट होना तय है। यस, आप सोचो दीज आर माई ओनली लाइव क्लासेस और दूसरी क्या क्या हो सकता है उसमें। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक मुझे अपना नंबर शेयर नहीं किया है, या जो नए आज इस नंबर पे, मेरे ऑफिस नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हम उसमें आपको डाल देंगे, लिख देना उसमें ऐड इन व्हाट्सएप ग्रुप। यस, एक तो ये काम आपको कर देना है। यस, और जिनका फाइनल हो चुका है, हम नीचे लिंक दे रहे हैं आपको, वो लिंक है हमारे, कल बहुत से बच्चों ने लिंक भर दिया है, जिनको लग रहा है उन्होंने चेतन सर से कंटिन्यू करना है, उसमें मैं स्पेशल आपको होमवर्क भेजूंगा, आपसे बात करूंगा, तो उनको हम अलग ग्रुप में ले रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, तो वो आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। यस, फिर हम वहां पे आपको लिंक भी देंगे, जिनको गूगल स्टोर पता है वहां पे जाके, हमारे मैथ्स मेड इजी ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यस, सो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें, यहाँ गूगल फॉर्म देना और मैथ्स मेड इजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यस, और फिर वहां हम बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ेंगे। यस, आपको बताना है एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। एक मैंने सेट दे दिया, उसमें बताओ एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है। यस, करो सॉल्व सब लोग। यस शिवांशु, मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, आई लव मैथ्स और मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, मैं बाकी टीचर्स आपको गाइड कर सकता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कुछ। वो नेचुरल नंबर बताओ, जो भी नए आए बने रहो, आराम से समझ आ जाएगी सारी चीज, जो इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइव प्लस का इधर आके माइनस का, वो नेचुरल नंबर बताना है जो हाफ के इक्वल हो। अब आप सबको पता है जहां लिख देते हैं ना नेचुरल नंबर, फाइव एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत से बच्चे गलती भी कर गए। कबीर, लुक हेयर, आपने देखा नेचुरल नंबर और हाफ, हाफ तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। हमने तो वो नेचुरल नंबर बताने थे जो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, वेरी गुड वेरी गुड। राइट गैरी, मूव नेक्स्ट। कौन से एम्प्टी है, कौन से नॉन एम्प्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। x नेचुरल नंबर है जिसका स्केयर माइनस नाइन के इक्वल है, इधर प्लस नाइन इधर आके माइनस नाइन, वो x बताना है जो नेचुरल नंबर भी हो। अब कोई नंबर ऐसा जिसका स्केयर नेगेटिव हो, ऐसा नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता। यस, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। सो आवर आंसर इज एम्प्टी सेट, हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। यस, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं जिसका स्केयर करेंगे नेगेटिव आएगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर, करो इनका स्केयर, वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, आर यू गेटिंग, बताना है एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी। वो एक्स बताना है जिसका स्केयर करो और थ्री आ जाए, और वो नंबर इरेशनल रैशनल होना चाहिए, प्लस और माइनस। एक्स इज रैशनल, जहां रूट आ गया ये नंबर तो क्या हो गया, इरेशनल। मैंने आंसर क्या लिखना था, मेरा आंसर क्या आना था, इरेशनल, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। यस, इंटरेस्टिंग ना, देखो अगर आप लोग सही आंसर दे रहे हो या गलत कोई मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट करता आपका पार्टिसिपेशन। देखो अगर हमने सही लिखा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर हमने गलत लिखा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अरे वाह यार मैं तो ऐसे सोच रहा था,
ये तो ऐसे सोचना था, ये क्वेश्चन कैसे सोचना था, रैशनल नंबर हो और ये इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व किया तो इरेशनल आ गया, रूट वाले नंबर आ गए, और हमें पूछा गया था रैशनल। रैशनल पता है ना कौन से होते हैं, पी बाय क्यू फॉर्म वाले, रूट वालों को तो रैशनल नहीं कहते हैं, एम्प्टी सेट। यस, हर्ष आयोटा कहते हैं उसे, आगे जगह पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, राइट। अभी आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आएगा नेक्स्ट थोड़े दिनों में। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो एक्स बताओ जिसका क्यूब करो 27, बोल बोल के करो, जिसका क्यूब करोगे और 27 आएगा, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, किस नेचुरल नंबर का क्यूब करोगे 27 आएगा। यस वेरी गुड करणवीर, यस सनमदीप, सत्यम, वेरी गुड शिवांशु, विकास गुड, आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 का क्यूब करते हैं वो होता है 27, तो इसे हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट वो होते हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट होता है। मेरे साथ बोलिए एक बार, नॉन एम्प्टी सेट वो होते हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट होता है। नॉन एम्प्टी सेट्स आर दोज हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, राइट। मेरे को लगता है क्लियर हो गया आपको एम्प्टी नॉन एम्प्टी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक आधी एग्जाम्पल और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, नाउ कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, 3 फैक्टर दे रखे हैं, उनका मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। जब ऐसे फैक्टर्स दे रखे हो मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब होता है आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 और थर्ड फैक्टर इक्वल टू 0, और हमें दे रखा है एक्स नेचुरल नंबर है। फिर सॉल्व करना शुरू किया हमने, आइदर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 2/3, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। आप तुक्का नहीं लगाइए, पूरा सॉल्व करिए, पेपर में नंबर तब मिलेंगे जब हम पूरा सॉल्व करेंगे। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। जो मैं करवा रहा हूँ पूरा एनसीईआरटी को बेस लेके करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी इज योर मेन बुक, तो उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। सो हमें हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स या तो 2/3 है या 4/3 है, 2, लेकिन पूछा क्या गया था, नेचुरल नंबर, सो इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा है 2, सो आवर सेट इज नॉन एम्प्टी। यस सीखने को मिल रहा है सबको, आर यू लर्निंग्स, ओके। अंकुश सारे आंसर नहीं लिखोगे, अगर आप ये भी आंसर लिख दोगे ना 2/3, 4/3 और 2, आप देखो 2/3 भी नेचुरल नंबर नहीं है, 4/3 भी नहीं है, दीज आर रैशनल नंबर्स, दीज आर रैशनल। हमें पूछा गया एन फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से है 1, 2, 3। यस यस अंकुश, देखो आपके एक एक जने की केयर हो रही है। यस और सोचो जब मैं दूसरी क्लासेस लेने वाला हूँ, जब एक अलग ग्रुप के अंदर, उसमें तो क्या केयर होगी आपकी, है ना, ऑटोमेटिक यू ग्रो। ओके नाउ अब हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, नल सेट तो सेम ही है, नल सेट एंड एम्प्टी सेट आर सेम, सो एम्प्टी सेट एंड नल सेट आर सेम, राइट। So, 3 तरह से चीजें आपने देखनी है। अब नाम से आपको देख के क्या लग रहा है, एम्प्टी मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, सिंगलटन सेट मतलब जिसमें वन एलिमेंट है, हैविंग वन एलिमेंट। नोट्स बना के लिख सकते हैं, हैविंग वन एलिमेंट, जिसके अंदर एक एलिमेंट आएगा वो सिंगलटन है। और पेयर, पेयर कब बोलते हैं, हैविंग वन एलिमेंट, हैविंग टू एलिमेंट्स, और एम्प्टी में नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। सो तीनों डेफिनेशंस क्लियर, यस, एम्प्टी, सिंगलटन एंड पेयर। सो क्वेश्चन आपके पास, नेचुरल नंबर के सेट में 0 भी डाल देते हैं, वो बन जाता है होल नंबर। यस अब आर यू हियर माय डियर्स, सो
नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर में 0 भी आ जाएगा। सो यहाँ W स्टैंड करता है होल नंबर्स के लिए, कभी भूलोगे तो नहीं, अभी होल नंबर ये वाले रहते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, वो सारे x, x हमारा होल नंबर है, x प्लस 3 लेस देन 3, सो ये प्लस 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 से छोटा। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, x होल नंबर है और जीरो से छोटा है, x होल नंबर है और यहां पूछा गया जीरो से छोटा, होल नंबर तो जीरो से शुरू होते हैं, जीरो से छोटे नहीं होते, इसलिए आंसर क्या आएगा मेरा, एम्प्टी सेट। एक बार फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। हमें लिखने थे होल नंबर, वो होल नंबर लिखने थे जो जीरो से छोटे हैं, हमें पता है होल नंबर तो जीरो से शुरू होते हैं, जीरो से छोटा कोई होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसा नंबर बताओ जो जीरो से छोटा है, ऐसा नंबर बताओ जो जीरो से छोटा है और होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर जीरो से छोटा नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। यस शबाज अहमद, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, राइट। यहां हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप करिए फिर हम उस पर सारी बात कर सकते हैं, गुड। मैं पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, पूरी एनसीईआरटी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर दिया है, यस, और उसकी थर्ड टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं, यस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, जिसका स्क्वायर 9 है और 3x = 7, वो x बताना है जिसका स्केयर 9 है, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिसका स्केयर 9 होता है, वो नंबर होते हैं 3 और माइनस 3, 3 और माइनस 3, यहां से x की वैल्यू आ गई 7/3। आई विल राइट समथिंग फॉर यू, 3 का स्केयर भी 9 होता है, माइनस 3 का स्केयर भी 9 होता है, ठीक है। एक एक अक्षर को इन डेप्थ लेके जाना चाहता हूं, आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी हो जाए। मीनिंग देखो इसका क्या है, आज हम अभी देखते हैं एंड का मीनिंग क्या होता है। एंड का मीनिंग होता है आंसर इस और इस दोनों इक्वेशन का कॉमन लेना है। जब भी मैथ्स में हम एंड का यूज करते हैं, एंड का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन। लिख सकते हो ये चीज, ये किताबों में नहीं मिलेगी, ये एक्सपीरियंस टीचर के साथ ही मिलेगी। एंड का मतलब है दोनों का कॉमन। एक इक्वेशन बता रही है आंसर 7/3 आएगा, एक इक्वेशन बता रही है आंसर 3 और माइनस 3 आएगा, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए इसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट, इसलिए हम इसे कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट। अब अच्छा क्वेश्चन था ना, कई बार देख के मन करेगा यार आंसर ये लिख दे 3 - 3, नहीं ये एम्प्टी सेट है, ये हमारा नल सेट है। यस देखो एक एक क्वेश्चन पे पूरा टाइम लगा रहा हूँ, और फिर भी कोई डाउट बचे तो क्या करना है, वीडियो को रिपीट कर लेना है, यस, या आप पर्सनल नंबर पे जो मैंने आपको दिया उस पे पूछ सकते हो। हैप्पी, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड। वो नेचुरल नंबर बताओ जो 5 और 6 के बीच में, एक्स मेरा 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, यस। वेरी गुड सनमदीप, वेरी गुड। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर पिछले को रिवीजन भी देंगे हम, जो भी हमने पढ़ा। हमें पूछा गया है ऐसा नंबर बताओ जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो। अरे भाई 5 से बड़ा और 6 से छोटा, उनके बीचकार, ये बोला गया इनके बीचकार नंबर बताओ, इनके बीचकार कोई नंबर नहीं है, आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। मान लो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता, एक सेट है, यस,
सुधीर धामू, इस क्वेश्चन को देखो, यस धीरज इस क्वेश्चन को देखो, ए कोई सेट है एक्स, एक्स नेचुरल नंबर है, मुझे इसका आंसर बताओ, और टू से लेके फाइव के बीच में, चलो सब लोग इसका आंसर बताओ, वो नेचुरल नंबर बताओ जो टू और फाइव के बीच में, टू से लेके फाइव के बीच में, यस यस यस, टू और फाइव के बीच में कौन कौन से हैं, थ्री और फोर, वेरी गुड गुड हर्ष, यस यस कबीर गुड, यस इट इज पेयर, यस रेणु परफेक्ट, यस कशिश पारस, यस अजयवीर हेमंत गुड गुड धीरज, शिवांशु करेक्ट करो बेटा, आंसर आएगा थ्री एंड फोर, गुड बलकार अविश मलिका यशिका परमजीत वेरी गुड, सो आंसर इज थ्री एंड फोर एंड वी कॉल्ड इट पेयर सेट। अब आपको क्लियर होगा यहाँ पे एम्प्टी क्यों लिखा है मैंने, राइट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ऐसा नंबर बताओ जिसका स्केयर करने पे 9 आएगा, दो नंबर थे 3 और -3, और x मेरा 7/3 के इक्वल है। यस, होता है ना क्लास में रिवीजन होना चाहिए टाइम पे, ताकि सारे क्वेश्चन हमारे अभी कभी पक्के हो जाए। यस, एक्स इक्वल टू 7/3, एंड का मतलब है कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ये मेरे पास आ जाता एक्स इक्वल टू 3 और -3, यहां पे आ जाता एक्स इक्वल टू 3, फिर दोनों में कॉमन क्या आ जाना था 3। यस, जब भी एंड लिखा होगा, एंड का मतलब दोनों में कॉमन आंसर हम लिखेंगे। नाउ क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस में पॉइंट कॉमन है। अरे भाई पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट्स कॉमन होते हैं, पैरेलल लाइन तो रेल की पटरी की तरह है, वो तो चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। यस, सो आंसर इज एम्प्टी सेट, आंसर इज एम्प्टी सेट। चलो मैं एक आपसे और पूछता हूं, अभी अभी मन में आ रहा है एक नया क्वेश्चन, वो एक्स लिखो जो नेचुरल नंबर हो, और आज हमने इसके साथ का क्वेश्चन किया भी है, और टू से छोटा हो। यस, नेचुरल नंबर भी हो और टू से छोटा भी हो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, देखते कौन पहले आंसर देगा। नेचुरल नंबर भी हो और टू से छोटा भी हो, यस अविश गुरप्रीत गुरदीप मलिका गुड हरेश विजय बताओ, ऐसा नेचुरल नंबर जो टू से छोटा हो, यस आंसर इज वन, यस पारस हरेश करणवीर कशिश धीरज गुड, आंसर इज वन। इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, आर यू गेटिंग नाउ, यस गुड। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने क्या क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, चार टाइप्स हमने कवर कर दी। यस, अभी हमारा लेक्चर पढ़ा है, 20 मिनट स्टिल लेफ्ट, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। नाम को देख के क्या लग रहा है यार, इक्वल सेट मतलब इक्वल सेट जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो। यस यस, मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और दूसरा सेट है बी जिसमें पूछा गया वो नंबर्स जो नेचुरल नंबर हैं और 4 से छोटे हैं। यस, आप बताओ क्या दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है? यस यस यस, बताओ क्या दोनों इक्वल है, आपको क्या लग रहा है? अभी तो हमने डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी। इज ए एंड बी आर इक्वल, इज ए इक्वल टू बी, यस। अगर आपका आंसर है यस तो बिल्कुल ठीक, दोनों इक्वल है। वो नेचुरल नंबर जो 4 से छोटे हैं, विच आर लेस देन 4, 4 से छोटे हैं,
0, 1, 2, 3 ये नंबर्स होते हैं। अगर मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर लिखने हैं फिर 1 से शुरू हो जाएगा। अब मुझे कौन से नंबर पूछे गए हैं जो 4 से छोटे हैं, सो 4 से छोटे कौन से, 1, 2 और 3, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1, 2, 3। सो टू सेट्स आर इक्वल अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, बी में कितने एलिमेंट हैं, 3, यस, उनके नंबर भी सेम है, अंदर वाले एलिमेंट भी सेम है। चलो मैंने दो एक क्वेश्चन और दिया, सी और डी, सी और डी क्या इक्वल है, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा हमारा, इज सी इज इक्वल टू डी, इज सी इक्वल टू डी, इट्स वेरी गुड कबीर, नॉट, अनइक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट्स, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये अनइक्वल तो है, आपने ठीक बताया, नई चीज पूछ रहा हूं आज, सारा लेक्चर मैं कैसे करवा रहा हूं आप लोगों से पूछ पूछ के। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, इट इज अ बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। मान लो मैंने आपको कोई फॉर्मूला समझा दिया, आपको समझ आ गया, तो कौन सी बड़ी बात है ना, उससे भी अच्छा अगर आप खुद के अंदर से निकाल पाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सी और डी में कुछ तो सेम है, बताओ क्या सेम है, सी सेट और डी सेट में कुछ तो ऐसा पक्का है जो सेम है, यस मलिका वही पूछ रहा हूं, मलिका यू गॉट इट, एक्सीलेंट, यस कुछ तो सेम है सी और डी में, क्या सेम है मलिका, यू आप सही पकड़ रहे हो, आप सही आंसर दे सकते हो, आप में सही विश्वास चल रहा है, प्राउड ऑफ यू, यस नवकिरण, वाओ हर्ष, यस यस करणवीर कबीर, गुड, दोनों में क्या सेम है, वाओ अजय वीर, यशिका, परमजीत, सनमदीप, रूहानी, शिवांशु, यस सुधीर, बोथ कंटेन 3 एलिमेंट्स, यस रेनु, परफेक्ट, यू ऑल आर एक्सीलेंट। आप सोचो अगर मेरे जो भी पेड बैच होगा इसके बाद, उसमें हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, क्या डिस्कशन होगी अगर इतना अच्छा ग्रुप बनेगा तो, यस और बनेगा, यस बनेगा, इतना अच्छा ही बनेगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, ऑफ सेट सी एंड सेट डी आर इक्वल, इसे सी और डी को बोलेंगे, सी एंड डी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, यस। तो हमने दो डेफिनेशन कर ली, इक्वल सेट की भी कर ली और इक्विवेलेंट सेट्स की भी कर ली। सो इक्वल सेट्स भी हो गए और इक्विवेलेंट सेट्स भी हो गए, राइट। यहां एक डायग्राम भी है, तो आई विल शो यू डायग्राम, यस। टू, अगर आपने नोट्स बनाने तो आप बना सकते हो साथ साथ, द टू गिवन सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम, टू गिवन सेट्स आर इक्वल अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट और मेंबर्स जो उनके मेंबर है सेम है। जैसे ये दो सेट दे रखे हैं, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, हेयर इज अ पेंटागन, हेयर इज अ पेंटागन, सो इधर भी 3 एलिमेंट, इधर भी 3, नंबर भी सेम, मेंबर भी सेम, मेंबर भी वही, कलर भी वही, सब कुछ सेम, इसलिए मैंने क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स, यस। सो टू, दीज आर द टू सेट्स ऑफ शेप्स, दीज आर इक्वल क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और ऑल एलिमेंट्स भी सेम। Yes, पूरा कंसेप्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया इक्वल सेट्स का, और इक्विवेलेंट सेट्स मैं बता चुका हूं, इक्विवेलेंट सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है उन्हें हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, यस। चलो जो मैंने आज कराया, स्टिल वी हैव 10-12 मिनट्स, मैं नाम बोलूंगा आप सोचना आपको याद आ रहा है, रिविजन हो रही है,
एम्प्टी सेट के बारे में पूरी नॉलेज है आपको, अपने मन में रिवाइज करते चलो। नॉन एम्प्टी सेट के बारे में, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, ओके, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, छह टाइप्स कर ली हमने सेट्स की, टाइप छह, सिक्स टाइप्स। यस, हियर ऑल द फोर सेट्स आर इक्विवेलेंट, चार सेट दे रखे हैं, चारों इक्विवेलेंट हैं। देखो कितनी सुंदर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये प्यारी प्यारी स्माइल है, जैसे आप भी मुस्कुरा रहे हो, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुरा लेता हूँ, एनर्जी बन जाती है ना ऐसे, है ना। बहुत से बच्चे मुझे शेयर करते हैं, सर आपके साथ पढ़ने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी एनर्जी बन जाती है ना। ये एक्चुअली मुझे मैथ्स बड़ा पसंद है, और मुझे सबसे अच्छा पसंद है दुनिया के हर इंसान को मैथ्स मुस्कुराते हुए सिखाना, और जब वो भी मैथ्स पढ़े वो भी मुस्कुराते हुए पढ़े, है ना। आपको पता है जब मैं पेपर देने जाता था ना, मैंने शेयर नहीं किया आपसे, जब मैं छोटा था, सिक्स सेवन्थ में था, मैथ का पेपर होता था ना, मेरे मम्मी को भी पता होता था, वो मेरे को बोलते नहीं थे पढ़ लो, उनको पता था चेतन के फुल नंबर ही आएंगे, और मेरे स्कूल प्रिंसिपल उनको भी पता होता था, स्कूल टीचर्स को, चेतन के मैथ के तो फुल ही आने वाले हैं, है ना। मतलब इतना मैथ पसंद था ना मुझे बचपन से ही, मतलब ऐसा था भी मैं सिक्स में था तो मेरे सेवन्थ एट्थ के क्वेश्चन मैं निकाल देता था, बड़ी क्लासेस के, बड़ी बड़ी क्लासेस के मैं क्वेश्चन आराम से पढ़ता रहता था। यस, आपको भी मैं पूरा जितना मेरे को नॉलेज है सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो यहाँ चार तरह बने हुए हैं, एक हमें ट्रायंगल्स बनी हुई है, इसमें सिक्स ट्रायंगल्स हैं, देर आर सिक्स ट्रायंगल्स, स्माइलीज बनी हुई है, देर आर सिक्स स्माइलीज, स्टार बने हुए हैं, देर आर सिक्स स्टार्स, और हर्ट्स बने हुए हैं, देर आर सिक्स हर्ट्स। सो सबके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो उन्हें हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। यस, इक्विवेलेंट सेट्स, राइट संजीव? इक्विवेलेंट सेट्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, मेरे साथ बोलो, इक्विवेलेंट सेट्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। यस, राइट। सो सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनलिटी इज सेम, नंबर ऑफ को बोलते हैं कार्डिनलिटी। एक नया वर्ड सीखो, नोट्स में लिखो, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मींस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिख लिया, कार्डिनल नंबर। जैसे यहां अगर मैं आपसे पूछूं स्टार वाले सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सिक्स। यस, क्या आएगा? सिक्स। अच्छा, एम्प्टी सेट की कितनी कार्डिनलिटी होती है? जीरो। सिंगलटन सेट की कितनी कार्डिनलिटी है? वन। पेयर सेट की कितनी कार्डिनलिटी है? टू। यही सोच रहे हो ना आप भी, तो सही सोच रहे हो, समझ आएगा। कार्डिनलिटी मीन्स किसी सेट में कितने एलिमेंट है। yes. जैसे आप सोचो आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, तो आज के बाद ना पता है कैसे बोला करो, अगर आप चाहते हो ना मैथ्स को इंजॉय करना, तो मैथ की भाषा बोलनी शुरू कर दो। जैसे अगर आपसे पूछा मम्मा ने अच्छा फ्रिज में देख के आओ कितने ऑरेंजेस पड़े हैं, तो आप क्या बताओगे? देर आर सिक्स ऑरेंजेस, बता सकते हो ना, लेकिन आप बोलोगे कार्डिनलिटी सिक्स। यस, कार्डिनलिटी ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू सिक्स। जैसे मैंने बोला आपको समझ आ गया, अरे कार्डिनलिटी तो कुछ भी नहीं है, ये नया वर्ड अभी से एक मिनट पहले आपके लिए नया वर्ड था, अभी आपके लिए नया वर्ड नहीं, आपको पता है कार्डिनलिटी। आज आपको होमवर्क पता है क्या है? मैं आपको एक नया इंटरेस्टिंग क्रिएटिव होमवर्क दे रहा हूँ। आप जब भी आज किसी चीज को बोलो, मम्मा मुझे कितनी चपाती खाओगे, मम्मा कार्डिनलिटी ऑफ चपाती टू। यस, अच्छा वो कहते हैं ना होटकेस में देखो कितनी चपाती पड़ी है, मान लो आप फोर पड़ी है, तो आप बोलोगे फोर, कार्डिनलिटी इज फोर। सो यू यूज द वर्ड कार्डिनलिटी, देखना आज ही पक्का हो जाएगा और आपका वोकैब भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यस, मेरी मैथ्स क्लासेस में मैथ्स तो आप सीखोगे सीखोगे, पर मैथ्स को जीवन में कैसे अप्लाई करना है ये भी बहुत कुछ सीखने वाले हो। यस, यही तो मजा है। यस, यहाँ कोई पूछ रहा था, यस रेनु, जिस सेट में दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं उसे सिंपली हम सेट ही कहते हैं। यस अंकुश, पेयर सेट का मतलब जिसमें दो एलिमेंट है, पेयर सेट जिसमें दो एलिमेंट्स है। यस, जल्दी से डाउट्स ले लेते हैं। अहमद जी कह रहे हैं कॉम्पैक्ट सेट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। बाबू ये जो प्लस वन की क्लास चल रही है, इट इज प्लस वन क्लास। यस,
सो कॉम्पैक्ट सेट इज नॉट इन द प्लस वन क्लास, ये बच्चे बोर हो जाएंगे, इनको वो नहीं बताया जा सकता। यू कम टू माई अदर क्लास, यस आई हैव सो मेनी सेशंस, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया आप उस पर बात करो। यस गुड, तो सबके डाउट्स क्लियर? ओके, कोई पूछ रहा था ना पेयर सेट, अभी यहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझे स्माइल बना के भेजी है, टू टू स्माइल बनाई है, मतलब पेयर हो गया। पता है मैथ्स कैसे, एक बार आ गया ना यार मैथ्स, आप जीवन में हमेशा अप्लाई करोगे, हर जगह अप्लाई करोगे। यस, लास्ट 10 मिनट, स्पीड पकड़ो जल्दी से। इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, दो सेट दे रखे हैं, क्या दोनों इक्वल है? आपसे ही पूछना है मैंने, करो सॉल्व, क्या दोनों इक्वल है? यस यस अस्तिक, गुड, कम ऑन, ए सेट में कौन कौन आ गए? एफ ओ एल डब्ल्यू, और इसमें भी कौन आ गए? डब्ल्यू ओ एल एफ, सेम, इधर भी एफ इधर भी एफ, इधर भी ओ इधर भी ओ, इधर भी एल इधर भी एल, आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क नहीं, सेम, ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, यस सेट्स आर इक्वल। यस, जो लोग आज ही जुड़े हैं उनको बता देते हैं सेट कैसे लिखा जाता है। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो हमें लेटर लिखने थे, सेट डिफरेंट एलिमेंट की कलेक्शन होती है, तो एल दो बार नहीं लिखेंगे, एल एक ही बार लिखेंगे, ओ दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो इसलिए चार बच गए, एफ ओ एल डब्ल्यू, और चार इधर थे, चारों सेम थे, इसलिए हमने कह दिया इक्वल सेट। ये क्वेश्चन क्लियर? अभी एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा है, यस, मान लो मेरे पास तीन सेट है, तीनों का आंसर एम्प्टी आ गया, तीनों का आंसर ही एम्प्टी है, तीनों में कोई एलिमेंट नहीं है, क्या मैं लिख सकता हूं ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट्स? आपको बताना है, इज ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स? यस यशिका, मुझे आपका आंसर चाहिए। यस, यस, इज दीज थ्री आर इक्विवेलेंट? यस, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। यस यस यशिका, आप बात समझ चुके हो, देखो आपका क्वेश्चन था, आपका डाउट था, मैंने आपसे आंसर निकलवा लिया, दैट इज कॉल्ड बेस्ट टीचिंग। यस, आज मैंने बताया था ना, मैं आपको पूरा टीच ही ऐसे करूंगा, क्योंकि अब देखो 3 दिन हो गए मैं पढ़ते को, तो अब आपको भी समझ आ गया है ना, सर से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, टॉपिक के रिलेटेड इसलिए बोलता हूँ ताकि हम पूरा 1 घंटा अच्छी पढ़ाई कर पाए। जब 1 घंटे बाद उठे तो लगे यार मेरी एक एक्सरसाइज हुई है। आज आप गूगल से एनसीईआरटी करना, जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, हम उनको एनसीईआरटी दे देंगे वहाँ पे आज, ठीक है, वो बुक आपको दे देंगे, उस चैप्टर दे देंगे, उस चैप्टर में आप सॉल्व कर सकते हो इनके क्वेश्चंस। चलो ये देखो, अभी ए बी और सी तीन, ए में भी 0 कोई एलिमेंट नहीं है, बी में भी कोई नहीं, सी में भी, तीनों की कार्डिनलिटी सेम है, इसलिए हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्वल भी है, यस, नहीं नहीं विजय जी, मैंने ऐसा नहीं बोला इक्वल नहीं है, ये इक्वलेंट भी है, ये इक्वल तो है ही है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बिल्कुल, दीज आर इक्वल एंड इक्वलेंट, दीज आर इक्वल सेट्स एंड आल्सो इक्वलेंट, राइट? ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, ये मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। लेटर्स लिखने हैं एल आई टी और ई, 4 आ गए, एल टी आई और ई, इधर भी टी आई एल और ई, यस 4 हैं, चारों सेम हैं, यस ए इज इक्वल टू बी, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। चलो आपके लिए क्वेश्चन आ गया, जल्दी से कर दो भाई प्यारे हो, जस्ट 7 मिनट्स लेफ्ट टू अवर क्लास। इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल? यस यस यस, देखो जितने बच्चों ने जितने डाउट पूछे सब क्लियर हो जाते हैं, मजा आ रहा है मजा आ रहा है। चलो चलो चलो, यस yes.
बहुत डेप्थ में, बहुत डेप्थ में जाके समझाने वाला हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीजर कौन से होते हैं? सेट, जेड का मतलब है इंटीजर। एक एक वर्ड को इन डेप्थ समझाऊंगा, ये इंटीजर है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, यस दीज आर इंटीजर्स, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। यस इनका स्केयर करते हैं। अब देखो मैं कैसे एक एक अक्षर समझा रहा हूँ। मैंने पहले x इंटीजर बताया, अब मैं उसका स्केयर करने जा रहा हूँ। 0 का स्केयर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, -1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 एंड सो। यस सबका स्केयर भी लिख दिया। हमें वो स्केयर लिखने हैं विच आर लेस देन इक्वल टू 4, जो 4 या 4 से छोटे हैं। ये सारे आ गए। एक बार फिर समझिए ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। सबसे पहले मैंने x को इंटीजर लिखना था, मैंने सारे इंटीजर लिख लिए। यस सारे इंटीजर, उनका स्केयर किया, स्केयर कर लिया। फिर मैंने वो लिखे, मुझसे वो पूछे गए थे वो स्केयर बताओ जिसका स्केयर करने पे आंसर 4 या 4 पे छोटा आएगा। जिसका स्केयर करने पे आंसर 4 या 4 से छोटा आएगा। यस तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा? -2, -1, 0, 1, 2। मेरा x था वो कौन था? इंटीजर। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, इसको भी बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे। पूरा ध्यान समझने में रखोगे तो बहुत मजा आएगा। R फॉर रियल नंबर्स है यहाँ पे, R फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। 0 रियल नंबर में आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। दीज ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसके बीच वाले भी आएंगे, सारे नंबर्स 0.1, 0.2, √3। रियल नंबर में दो तरह के नंबर आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी आ जाएंगे। अब आपको याद आ गया होगा 9th, 10th क्लास, 1st, 1st चैप्टर नंबर सिस्टम का, 9th में पढ़ते हैं ना रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। सारे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर रियल नंबर्स। एक और सिंपल तरीका बताओ रियल नंबर याद रखने का, जितने नंबर आपने 10th क्लास तक पढ़े या सुने सारे रियल नंबर। अच्छा आपने पाई सुना हुआ है, रियल नंबर। आपने रूट थ्री सुना हुआ है, रियल नंबर। आपने क्यूब रूट ऑफ 5 सुना हुआ है, रियल नंबर। यस सारे नंबर रियल हो गए। हमें कौन से रियल नंबर देखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो? -4x को हम लिख सकते हैं -3x - x + 3 = 0। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा। x - 3 बचपन में करते थे ना फैक्टर्स, सो यहां से हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। एक तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और एक इतनी आ जाएगी 1। सो यहां पे मेरा आंसर क्या आ गया? 1 और 3। यस नाउ पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब हम समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। ए सेट में 5 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट इक्वल नहीं है। सो आंसर आएगा नॉट इक्वल। ए एंड बी आर नॉट इक्वल, दोनों सेट इक्वल नहीं है। यस अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो हम आज धीरे धीरे शुरू हुए, एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, करते करते हमने इन डेप्थ क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इट्स फॉर यू। यस 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 एवरीवन पार्टिसिपेट, सबके आंसर चाहिए मुझे, मेरे सब प्यारे बच्चे इसमें आंसर करेंगे। ए सेट तो दे ही रखा है 2, 4, 6, 8, 10। बी में क्या आएगा?
इंटीजर्स चेतन सर कैसे करते हैं क्वेश्चंस, पूरा डेप्थ में बताते हैं एक एक टॉपिक। आपका मैथ अच्छा होना तय है, सुपर एक्सीलेंट होना तय है, ये सारे इंटीजर। फिर उसने कहा था इवन और पॉजिटिव, जब कहा इवन और पॉजिटिव मैं सर्कल कर लेता हूं इवन और पॉजिटिव को, पॉजिटिव और इवन ये वाले आ जाएंगे। सो एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसका मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। पर यहां उसने कसम डाल दी 10 या 10 से छोटे, तो कौन कौन से आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। यस यस, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, परफेक्ट। यस परफेक्ट राइट, ए इज इक्वल टू बी, परफेक्ट। सो दीज आर इक्वल सेट्स, परफेक्ट। यू ऑल आर वेरी एक्सीलेंट, सब ने एकदम बढ़िया बताया राइट। यस, तो आप जल्दी से अपना फाइनल कर लो, फाइनल करके आप गूगल फॉर्म हम आपको नीचे दे रहे हैं, आपको गूगल फॉर्म फिल कर दे रहे हैं जिसका फाइनल होता जा रहा है, फिर उसको मैं अपने पेड वाले बैच में ले रहा हूँ। उस बैच के अंदर आपको स्पेशल होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगी, लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स आर देयर, लॉट्स ऑफ मैथ्स की गेम्स एंड एक्सीलेंट थिंग्स आर देयर, काफ़ी कुछ उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ, बहुत हटके होता है उसमें। और ये नंबर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। यस, सो आई एम वेरी एक्साइटिंग, रोज रहता है मैं आपके साथ मिलूं, 4 बज गए हैं, आपका भी एक्साइटेड बनाए रखना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको साथ लेके आओ। यस yes? इस वीडियो को जाके आपको लाइक करना है और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, फ़ोन कर करके बताना है शेयर करके। यस yes, हम मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है शायद वो मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वो अपने जीवन में वो जिस चीज़ के हकदार हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पर आपको पता ही है बिजनेस में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, इवन कोई भी फील्ड में आप कुछ भी जीवन में करो, मैथ्स तो चाहिए। एग्री? तो अगर मैथ्स चाहिए, तो अगर आपका अंदर से डर निकल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप आज किसी को शेयर कर दोगे वो हमेशा आपको थैंकफुल रहेगा, वो कहेगा यार तूने मुझे है ना इस टीचर से मिलवा दिया, चेतन सर से मिलवा दिया, वो हमेशा आपको थैंकफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता है चेतन सर बहुत सारी केयर करने वाले हैं। यस गुड, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें शेयर करें पूरा लिख के, इस 3 दिन की क्लासेस में आपको कैसे लग रहा है, और यहां भी आप यूट्यूब पे भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस, जीरो भी आएगा पूछ रहे, जीरो किसमें आएगा, मैं बिजनेस और अकाउंट्स नहीं करवाता शिवांशु, बता दिया आपको, मैं मैथ्स ही करवाता हूँ, है ना। जो मास्टरी होती है ना वो एक ही चीज़ में होती है, मास्टरी पढ़ाने में कुछ भी पढ़ा लूँगा मैं, इकोनॉमिक्स भी मैंने खूब पढ़ा, इकोनॉमिक्स भी, पर मैं इकोनॉमिक्स तब पढ़ा सकता हूँ। यस यस गुड गुड, जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, नॉट ए नेगेटिव। यस धीरज, जीरो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, किसी का डाउट था वो क्लियर करूँ, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ नेगेटिव, जीरो जीरो है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इंटीजर, राइट। सो इवन नंबर में जीरो नहीं आएगा। देखो उसने पूछा है पॉजिटिव, यहाँ पे वर्ड क्या लिख दिया, पॉजिटिव, सुनो जीरो पॉजिटिव नहीं है, इवन की बात नहीं कर रहे। अगर वो इवन कहता फिर तो मैं ले लेता, इवन में तो आना था, पर साथ में वर्ड कौन सा डाल दिया, पॉजिटिव, जीरो इज नॉट पॉजिटिव। अब आप जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। यस गुड, आप लोग पूछते हो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप पूछते हो, पूछता एक जन है।